आईसीसी वर्ल्ड कप टिकट बुकिंग 2023। दोस्तों आप मोबाइल फ़ोन से घर बैठे कैसे आप अपने एड्रेस पर जो है टिकट बुक कर सकते हैं आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 की। आप सभी प्रूफ के साथ देख सकते हैं, मैंने इसको 2 दिन पहले टिकट बुक की थी एंड ये टिकट मेरे घर पर भी डिलीवर हो चुकी है। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या फिर कोई सा भी मैच आप टिकट बुक करना चाहते हैं घर बैठे, तो वो टिकट आपके घर पर आ जाएगी। किसी भी पार्ट को आप बिल्कुल भी स्किप मत करें क्योंकि यहाँ पे आपका पेमेंट का सवाल है, आपके पैसे लिए जाएंगे तब आपकी टिकट बुक होगी, तो इसलिए प्लीज वीडियो को एंड तक देख लें। स्टेप टू स्टेप मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताना है कि कैसे आप सभी यहाँ पे टिकट को बुक करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा लेफ्ट या फिर राइट साइड में, आप उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को फॉलो करते जाएं, जो जो चीज़ें मैं दिखाऊंगा करके वही आपको करनी है, ठीक है। एंड ये जो है आप बुक कर पाएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम यही है कि आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है। इस तरीके से ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है बुक माई शो, ओके। तो यहाँ पे जैसे आप बुक माई शो लिखेंगे तो आपको ऑफिशियली इनकी एक एप्लीकेशन मिल जाएगी। अब ऐसा मत करना कि भाई लोग एप्लीकेशन का नाम देख लिया तो आप खुद से करने चले जाओ, समझ नहीं आएगा, देख लो कैसे आपको बुक करनी है टिकट को, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से इस ऐप का नाम है बुक माई शो एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है मूवीज़ एंड इवेंट्स वगैरह, तो जस्ट सिंपली इंस्टॉल कर लो। तो चलो फटाफट से मैं इसको इंस्टॉल पे लगा देता हूँ एंड इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चालू करता हूँ कैसे आप इसकी मदद से टिकट को बुक करेंगे। तो फटाफट से हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल हो जाने के बाद अब हम इसको करेंगे ओपन, ठीक है। तो मैं इस वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप या फिर कट नहीं करूंगा ताकि आप सही से समझ पाएं। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, गूगल से भी कर सकते हैं, ईमेल से भी एंड मोबाइल नंबर, तीसरे नंबर पे आपको मोबाइल नंबर मिल जाता है, सिंपली अपना मोबाइल नंबर डालें एंड उसके बाद वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर दें। एक आपको OTP आएगा एंड OTP आने के बाद आपको उस OTP को डाल देना या फिर ऑटोमेटिकली उठा लेगा OTP मोबाइल आपका। अब बारी आती है यहाँ पे, इस तरीके से इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगी, तो भाई लोग आपको लोकेशन सही अपनी डालनी है जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है। तो देखो आ रहा है, हे देयर वेयर आर यू, डोंट मिस आउट ऑन मूवीज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट मैनुअली आता है, सेलेक्ट माय लोकेशन, डिटेक्ट माय लोकेशन, तो आपको डिटेक्ट माय लोकेशन पे क्लिक करना है, ये वाले पे, ठीक है भाई लोग। वैसे आप मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं लोकेशन, अदरवाइज ही अपने आप उठा लेगा, तो आपको पहले वाले पे क्लिक कर लो। तो ओके कर दो, लोकेशन अपनी अलाउ कर दो एंड यहाँ पे आ जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पहले वाले पे क्लिक कर दो, वाइल यूजिंग, इसके ऊपर क्लिक कर दो, टॉप पे जो आया था पहले वाला, ठीक है। अब ये जो है अलाउ कर दो, इसको परमिशन दे दो, तो यहाँ आ रहा है यूअर लोकेशन। अब ठीक है, हो चुका सब कुछ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको इस तरीके से इसका इंटरफेस मिल जाएगा, कोई बात नहीं, मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताऊँगा। एक तो आप यहाँ पे स्क्रोल डाउन करेंगे नीचे, देखो यहाँ पे आ रहा ब्राउज, ब्राउज इवेंट बाय कैटेगरी, एक यहाँ पे आ रहा है, इसमें आपको ये देखो एक क्रिकेट करके फोल्डर मिल जाता है, या तो फिर आप टॉप, तो गाइस यहाँ पे बात एक ही है, या तो फिर आप टॉप पे क्लिक कर दें या फिर आपको जो मैंने सेंटर में बताया इस तरीके से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, इस वाले आइकन पे ही क्लिक कर दो जहाँ पे क्रिकेट लिखा हुआ है, ये देखो ये वाली में, ठीक है। इस क्रिकेट वाले पे आप क्लिक कर दो जहाँ पे मैंने एरो करके दिया हुआ आपको, जैसे क्लिक कर देंगे अब बारी आती है यहाँ पे व्यू ऑल मैचेस, इसके आप क्लिक करें, ठीक है। तो भाई लोग अब आपको क्या करना है, अब आपको ये चूज़ करना है कि आपको किसका मैच देखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे इंडिया का मैच देखना चाहते हैं या फिर अफगानिस्तान या फिर ऑस्ट्रेलिया या फिर पाकिस्तान, इस तरीके से आपको जो है सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इंडिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस तरीके से जो भी आपको मैच, जिस भी कंट्री के आपको मैचेस देखने हैं उसको सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल मैचेस पे तो आपको सारे मैचेस शो कर देगा। यहाँ से आप कंट्री वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं किस कंट्री का आप मैच देखना चाहते हैं, किस कंट्री का जो है आप यहाँ पे मैच का टिकट बुक करना चाहते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे इंडिया कंट्री को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो जहाँ से भी आप जिसका भी मैच देखना चाहते हैं स्टेडियम में उसका आप चूज़ कर लें। तो यहाँ पे आ जाता है इंडिया ICC मैच एंड गाइस कई बार यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है जिसका नाम है कमिंग सून। फॉर एग्जांपल के लिए आप सभी चेक करो, यहाँ पे एक मैच निकल के आता है ये वाला, इंडिया वर्सेज न्यूजीलैंड एंड यहाँ पे जो है ये स्टार्ट होगा 22 अक्टूबर को, बट ये जो है अभी के टाइम कमिंग सून का आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि भाई लोग आपकी जो टिकट बुकिंग है वो जो है लगभग 3 से 4 दिन पहले स्टार्ट हो जाती है एंड इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आज कोई मैच होने वाला है, फिर कल के दिन कोई मैच होने वाला है या फिर परसों के दिन, तो इमीडिएटली आप टिकट को बुक नहीं कर पाते हैं, ठीक है, नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कम से कम एक हफ्ता पहले आपको एक्टिव हो जाना है टिकट बुक करने के लिए, ठीक है। तो अभी जो यहाँ पे कमिंग सून दिखा रहा है, फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे इसको बैक कर देते हैं एंड हम यहाँ पे दूसरा मैच जो है स्टार्ट सेलेक्ट करते हैं, दूसरी कंट्री। तो इसके लिए जैसे कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड अब ये आपको दिखा देगा कि भाई कौन कौन से मैच जो है स्टार्ट होने वाले हैं हाल ही में। तो आप सभी चेक करें, यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है 20 अक्टूबर को मैच स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि एक मैच जो स्टार्ट होने वाला है 20 अक्टूबर को एंड इसकी जो टिकट बुकिंग है वो चालू हो चुकी है। तो इसके लिए दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कई बार कमिंग सून प्रॉब्लम जब आ जाए तो आप घबराना मत,
थोड़ी देर बाद ट्राई कर लेना या फिर एक दो दिन बाद ट्राई कर लेना, वो वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलिया वर्सेज पाकिस्तान का जो है यहाँ पर टिकट बुकिंग चालू हो चुका है, 20 अक्टूबर को मैच होगा। तो आप ये वाला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप किसी भी कंट्री को सिलेक्ट करके आप अप्लाई कर लेना। एक और चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है इस तरीके से, देखो यहाँ पे लिखा है बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद। तो यहाँ पे आपको स्टेडियम वाइज लोकेशन भी सिलेक्ट करनी होगी। तो जहाँ का आप स्टेडियम रखना चाहते हैं, लोकेशन जो भी आपकी, वो आप सिलेक्ट कर लें फॉर एग्जाम्पल के लिए जहाँ से भी आप, तो चेन्नई या फिर अहमदाबाद जो भी है आप यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब बारी आती है दोस्तों यहाँ पे इस तरीके से जहाँ पे आप सिलेक्ट करना चाहेंगे स्टेडियम एंड वहाँ की लोकेशन आपको देनी, जैसे कि कोलकाता या फिर बेंगलुरु या फिर अहमदाबाद, यहाँ से आप इसको भी सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे मैंने चेन्नई सेलेक्ट किया है, आप सभी चेक करें तो यहाँ पे मुझे चेन्नई का मैच देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे चेन्नई के लिए एक मैच आ चुका है जो कि 23 अक्टूबर को चालू होगा। एंड ये देखो मैं यहाँ पे आपको मार्क करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे प्राइस देखने को मिल जाता है यहाँ पे कॉर्नर में, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बुक पे आप क्लिक करें जहाँ पे मैंने एरो करके दिया हुआ इस तरीके से। तो बुक पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे आता है इम्पोर्टेंट नोट, चिल्ड्रन ऑफ 2 ईयर ऑफ एज और ओवर मस्ट हैव देयर ओन टिकट। ओके, जो भी यहाँ पे 2 साल से बड़े हैं उनके लिए भाई टिकट होनी चाहिए खुद की, ठीक है। नो री एंट्री इज अलाउड, री एंट्री नहीं होगी आपकी सेम टिकट पे, ठीक है। तो चलो ये तो बेसिक बात है। अब बारी आती है कितनी आप टिकट बुक करना चाहते हैं, ये देखो हाउ मेनी सीट्स। तो यहाँ पे जितनी भी आप टिकट रखना चाहते हैं उतनी सेलेक्ट कर लें, 2, 3, 4, 5 जितनी भी। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 1 टिकट बुक करना चाहता हूँ, ठीक है, या फिर 2 सेलेक्ट कर लो जितनी भी, एंड यहाँ पे सेलेक्ट सीट्स पे क्लिक कर दो। अब बारी आती है आपको कहाँ पे जाके अपना जो है सीट कहाँ पे रखना है, जैसे कि फ्रंट, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ईस्ट वेस्ट, कहाँ पे आप डायरेक्शन रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कलर्स को मैच करना है। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ क्या है। यहाँ पे देखो पिंक कलर में 2500 रुपये सीट आ रहा है, एंड यहाँ पे ब्लू कलर में 1000 रुपीज़, एंड यहाँ पे ग्रीन कलर में इस तरीके से 1500। तो ये जो कलर है ये मैच करो, देखो यहाँ पे जो 2000 की 2500 की स्टार्ट हो रही है ये वाली, देखो पहले वाली ये 2500 की जो स्टार्ट हो रही है, एंड 2500 का कलर कौन सा आ रहा है, पिंक। तो पिंक कलर यहाँ पे भी है, तो इट मीन्स ये वाला जो आपको फ्लोर देखने को मिलेगा इस जगह आपकी सीट होने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कलर वाइज एंड पैसे जो है आपको बता दिए जाएंगे। तो बाय प्राइस भी देखने को मिल जाएगी, अवेलेबिलिटी एंड यहाँ पे इस तरीके से पॉपुलरिटी वाइज भी। तो जो भी बेस्ट लगे आपको, जहाँ पे आप बैठना चाहते हो फ्रंट में या फिर थोड़ा सा पीछे या फिर सेंटर में, तो वो आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है, कलर वाइज। तो फॉर एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे अच्छी वाली जगह चूज़ करनी है, तो मैं 2500 वाली सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड यू चूजन कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जो है देखो मैंने यहाँ पे ये वाली कैटेगरी। तो इतना करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे बुक पे क्लिक कर देना है। जैसे बुक के ऊपर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। कई बार दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे प्राइस भी बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर आपके यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी सीट एंड सोल्ड आउट हो चुकी होगी, तो गाइस कई बार आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर वो सीट सोल्ड आउट हो जाती है तो ऐसे में आपका प्राइस भी बढ़ जाता है। एंड यहाँ पे आप सभी चेक करो कि यहाँ पे जो सीट अवेलेबल है इस समय, इस तरीके से 3000 वाली 1000 वाली सोल्ड हो गई, यानी कि बिक गई हैं। तो अभी यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है जो कि है 15000 वाली सीट बची है, देखो यहाँ पे 15000 20000। तो यहाँ पे मैं 15000 वाली को सिलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से, एंड ये जो है आपको दिखा देगा यहाँ। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हैं यहाँ पे एक बुक का बटन आ चुका है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना। जहाँ पे आप जो कलर सेलेक्ट करोगे स्टेडियम में, वहाँ पे जाके आपको उस कलर को सेलेक्ट भी करना है, क्लिक करोगे उस कलर पे तब जाके आपको एक बुक का बटन देखने को मिल जाएगा। इसलिए होम डिलीवरी सेलेक्ट करके अपना जो है एरिया कोड डाल दो, ताकि आप अवेलेबिलिटी चेक कर लो। तो यहाँ पे देखो लिखा है होम डिलीवरी इज नॉट अवेलेबल, पिकअप हैज़ बीन सिलेक्टेड। तो यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, अगर आपका यहाँ पे अवेलेबल होगा डिलीवरी तो यहाँ पे हो जाएगा, अदरवाइज आप थोड़ा सा यहाँ पे कोड चेंज करके देख लेना। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आपको सारी ही चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अब आपको देखने को मिल जाएगी टोटल अमाउंट, यहाँ पे टैक्स वगैरह पढ़ के बुकिंग जो है 1000 रुपये और बढ़ जाता है। अब देखो भाई लोग यहाँ पे इतना सारा इसका खर्चा बढ़ जाता है, 1000 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड हो चुके हैं 1100 समथिंग, ठीक है। उसके बाद सेलेक्ट करो स्टेट को, यहाँ पे सेलेक्ट करना है नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी सेलेक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ, स्टेट को सॉरी। एंड उसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भाई यहाँ पे अवेलेबिलिटी जो है हो जानी चाहिए, मेरे में यहाँ पे रेड कलर आ चुका है, इट मीन्स ये जो अवेलेबिलिटी नहीं है। बट फिर भी आप यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे अगर जाते हैं बुक करने के लिए, तो प्रोसीड टू पे करेंगे, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे हो जाए डन कि हाँ यहाँ पे अवेलेबल है डिलीवरी, तो ही आप करना, अदरवाइज मत करना, ठीक है। तो फिर भी मैं आपको प्रोसेस बता दे रहा हूँ, अगर ना हो तो मत करना। यहाँ पे अगर हो जाता है सही तो आप यहाँ पे अपनी एक ईमेल डालें, मोबाइल नंबर डालें, उसके बाद दोस्तों नीचे आएगा अपडेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, देन आपको यहाँ पे इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, टोटल अमाउंट देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको जो है ऑफर कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, एंड उसी के साथ दोस्तों आपको यहाँ पे सारी ऑप्शंस मिल जाती हैं किसके थ्रू आप यहाँ पे टिकट बुक करना चाहेंगे। तो आप सभी यहाँ पे अपनी पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, यूपीआई। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यूपीआई को सेलेक्ट कर लेता हूँ, जस्ट फॉर आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम यूपीआई आईडी डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी चेक कर सकते हैं यहाँ पे हमें पेमेंट के लिए आ चुका है। पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे ही आप जिस भी यूपीआई को डालेंगे वहाँ पे आपको मैसेज कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे आपको जो है पे के बटन पे क्लिक करना है, देख सकते हैं दोस्तों आप जैसे ही पे के बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप पेमेंट कर देंगे, उसके बाद दोस्तों आपका टिकट यहाँ से बुक हो जाएगा जैसे आप पे कर देंगे बस।